हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू करेंगे। मैं उदय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड प्रकीर्ण, बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स, पेपर सेकेंड में ये पहला टॉपिक है रदरफोर्ड। इसमें सबसे पहले हम उपकरण व्यवस्था देखें। रदरफोर्ड ने अपने शिष्यों गाइगर और मार्स्टेन के साथ मिलकर एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक स्रोत लिया जो रेडियोएक्टिव किसी तत्व से बना हुआ है और जिसमें से एल्फा कण उत्सर्जित होते रहते हैं। इससे उत्सर्जित होने वाले एल्फा कणों का उन्होंने सोने की एक पतली पन्नी पर बौछार करवाई। सोने की पन्नी पर बौछार होने के बाद दूसरी साइड में एक सुग्राही पर्दा रखा, एक स्क्रीन रखी, जिसके द्वारा इन एल्फा कणों को डिटेक्ट किया गया कि आखिर ये कौन कौन सी दिशा में प्रकीर्णित होते हैं। यह संसूचन बड़ा सुग्राही था, जिससे कि प्रत्येक कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्पा कणों को डिटेक्ट किया जा सके, मापा जा सके। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग से कुछ प्रेक्षण प्राप्त हुए जो इस प्रकार है। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से देखा कि अधिकतर एल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल जाते हैं, अर्थात उनके मार्ग में कोई चेंज नहीं होता और वो जिस दिशा में आपतित होते हैं बिल्कुल उसी दिशा में सीधे निकल जाते हैं। दूसरा प्रेक्षण उन्होंने किया कि कुछ एल्फा कणों का प्रकीर्णन छोटे कोणों पर हुआ, यानी न्यून कोण, 90 डिग्री से छोटे एंगल पर वो प्रकीर्णित हुई। लेकिन एक विचित्र बात उन्होंने नोट की कि बेहद कम अल्फा कण, यानी कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जिनका प्रकीर्णन 90 डिग्री से अधिक कोण पर हुआ। तो ये बात उन्होंने नोट की, ये उनके प्रेक्षण ऑब्जर्वेशंस इस फेमस प्रयोग से उनको मिले। एक बार फिर देख लेते हैं हम कि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं, यानी उनके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता। कुछ अल्फा कण न्यून कोण से विचलित होते हैं, 5, 10, 15 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, लेकिन बहुत कम अल्फा कण, यानी बेहद छोटी संख्या में कुछ अल्फा कण ऐसे भी प्राप्त होते हैं कि जिनका प्रकीर्णन 90 डिग्री से ज्यादा कोण पर भी होता है। ये निष्कर्ष प्राप्त होने के बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया और उन्होंने परमाणु के बारे में एक नई परिकल्पना, एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। इससे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड याद दिला दें, रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल दिया उस समय उनसे जस्ट पहले दिया गया मॉडल प्रचलित था और वो मॉडल था थॉमसन का परमाणु मॉडल। और थॉमसन ने ये कहा था कि एटम जो है वो भारतीय भाषा में बात करें तो एक तरबूज की भांति होता है, परमाणु एक तरबूज की भांति होता है। तरबूज के अंदर जो लाल वाला भाग है वो पूरा धनात्मक हिस्सा होता है, उसका पॉजिटिव पार्ट होता है, और जो तरबूज में बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव पार्ट के रूप में उसमें धंसे रहते हैं। तो थॉमसन मॉडल के अनुसार धनावेश है वो परमाणु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो बीजों के रूप में धसे रहते हैं।
इस मॉडल को यदि माने तो थॉमसन को जो रदरफोर्ड को जो प्रेक्षण प्राप्त हुए वो बिल्कुल आश्चर्यजनक थे, क्योंकि यदि परमाणु के अंदर पाया जाने वाला धनावेश पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित हो तो जब अल्फा कण की उस पर टक्कर करवाते हैं तो कूलम प्रतिकर्षण के कारण अल्फा कण का प्रकीर्णन तो होगा, यानी उसका मार्ग से विचलन तो होगा, लेकिन स्वर्ण जो परमाणु है उसका संपूर्ण धनावेश यदि पूरे गोले में वितरित है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी नहीं होगी कि वह अल्फा कण पर इतना बल लगा सके कि उसका प्रकीर्णन 90 डिग्री से ज्यादा कोण पर हो सके। तो रदरफोर्ड ने जो तीसरा प्रेक्षण प्राप्त किया कि कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से ज्यादा कोण पर प्रकीर्णित होते हैं, वो एक क्रांतिकारी परिणाम था, और उसकी व्याख्या करने के लिए रदरफोर्ड ने कुछ परिकल्पनाएं की और अपना नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड का ग्रहीय मॉडल कहते हैं। इसमें रदरफोर्ड ने निम्नलिखित बिंदु बताए, निम्नलिखित परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। पहला था, किसी परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके मध्य छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि जो धनावेश जो थॉमसन बताते हैं कि वो पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित होता है, ऐसी बात नहीं है। परमाणु का धनावेश बहुत छोटे से भाग में परमाणु के बीचों बीच केंद्रित होता है, और इस छोटे से केंद्र को परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं, और तभी कुछ जो अल्फा कण 180 डिग्री के कोण तक विचलित हुए वापस आगे लौट के, वो तभी संभव है जब पूरा का पूरा धनावेश बहुत ही छोटे से आयतन में केंद्रित हो। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि परमाणु का लगभग 99% द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि परमाणु का लगभग 99% द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। इसे करेक्ट कर लें, परमाणु का लगभग 99% द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। ये उन्होंने इसलिए परिकल्पना प्रस्तुत की कि परमाणु का द्रव्यमान भी यदि समान रूप से वितरित होगा तो भी अल्फा कण इतना ज्यादा विचलित नहीं हो पाएगा, अर्थात जहां से टक्कर होती है अल्फा कण जहां से वापस आता है वहां आवेश और द्रव्यमान दोनों सेंटर रहते हैं, यानी नाभिक के अंदर परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है। परमाणु का ऋणावेश नाभिक के बाहर एक बड़े आयतन में वितरित होता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि परमाणु का जो नेगेटिव चार्ज है वो नाभिक के बाहर एक बहुत बड़े आयतन में वितरित होता है। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, इसे रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड का ग्रहीय कहते हैं। इसमें रदरफोर्ड ने इस तरह की परिकल्पना दी, इस तरह का मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल बीचों बीच में नाभिक है जिसके ऊपर धनावेश होता है और संपूर्ण धनावेश नाभिक में केंद्रित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये इसके नाभिक के चारों ओर गोल गोल घूमते रहते हैं, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं,
और इनके चक्कर लगाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य कूलम आकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। इस तरह से रदरफोर्ड ने पहली बार नाभिक शब्द का प्रयोग किया, न्यूक्लियस की खोज हुई और परमाणु के बारे में हमारी जानकारी का और विस्तार हुआ। पहले ये माना जाता था कि जो धनावेश है वो संपूर्ण परमाणु में समान रूप से वितरित है, उसमें संशोधन किया और रदरफोर्ड ने बताया कि संपूर्ण धनावेश है वो एक अत्यंत छोटे से आयतन में परमाणु के बीचों बीच केंद्रित रहता है। उसके बाद हुई खोजों के द्वारा ये चीज और अच्छे से स्पष्ट हुई कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर धन आवेश प्रोटोनों के रूप में उपस्थित रहता है और प्रोटोन संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं और उनके ऊपर आवेश भी परिमाण में इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, लेकिन उसकी प्रकृति विपरीत होती है। प्रोटोनों पर धन आवेश पाया जाता है और इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश पाया जाता है। क्योंकि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। इस प्रकार से परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु टोटल रूप से विद्युत उदासीन होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हालांकि रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ कमियां पाई गई जिनको बाद में बोर्ड ने सुधारा और ये प्रक्रम आगे चलता रहा, लेकिन रदरफोर्ड का जो कार्य था वो इस मामले में महत्वपूर्ण था और मूलभूत था कि पहली बार उन्होंने न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग किया और ये बताया कि नाभिक परमाणु की तुलना में परमाणु की डायमेंशन की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। यदि परमाणु की डायमेंशन हम 10 की पावर माइनस 10 मीटर की माने, एक एंगस्ट्रम की कोटि की माने, तो नाभिक की डायमेंशन 10 की पावर माइनस 14 10 टू पावर माइनस 14 मीटर की कोटि की होती है। तो इतना छोटा होता है नाभिक और इस अत्यंत छोटे से हिस्से में परमाणु का संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है और इसीलिए जब अल्फा कणों की टक्कर सम्मुख टक्कर नाभिक से होती है तो इतना ज्यादा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है कि अल्फा कण वापस लौट के अपने रास्ते पर आ जाता है। दूसरी बात, रदरफोर्ड ने यह भी बताई कि चूंकि अल्फा कण की तुलना में स्वर्ण नाभिक का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, इसलिए हम अल्फा कण के सापेक्ष नाभिक को स्थिर मान सकते हैं और स्थिर नाभिक से टक्कर कर अल्फा कण वापस अपने मार्ग पर लौट आता है। तो इस प्रयोग से संबंधित मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।